सबको जैम से की आइए हम देखें परमेश्वर का वचन आज हमसे कैसे बात करता है। मत्ती उसके छठे अध्याय के 14 वचन में, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। अजीज बहन भाइयों, हम अक्सर परमेश्वर से माफी मांगते हैं, हम अक्सर परमेश्वर के पास जाकर घुटने टेकते हैं और उससे अपराधों की क्षमा मांगते हैं। ये अच्छा है, लेकिन परमेश्वर का वचन अपराधों की क्षमा से पहले प्रभु कहता है कि जाओ और जाकर अपने अपराधियों के अपराधों को क्षमा करो। तुम जाओ और अपने मनुष्य जो जिनसे तुम्हारा विरोध है, क्रोध है, उनके अपराधों को क्षमा करो। जब हम क्षमा करते हैं और प्रभु के पास आते हैं तभी प्रभु हमारे अपराध क्षमा करता है। इसलिए अपने जीवन के अंदर से उन मनमुटावों को, उन क्रोध को, उस विरोध को अपने जीवन से दूर करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करना चाहता है। और जब हम दूसरों के अपराध क्षमा करेंगे, मेरे बहन भाइयों, ये वादा तभी पूरा होगा। इसलिए आइए आज हम ये वादा करें प्रभु से कि प्रभु, मैं अपने अपराधियों के अपराधों को क्षमा करता हूँ, मैं मनुष्य के अपराधों को क्षमा करता हूँ जो वो हमारे साथ करते हैं, और प्रभु के साथ जुड़ें, क्योंकि वो प्रभु हमें आशीष देना चाहता है, हमें क्षमा देना चाहता है। प्रभु आपको आशीष दे, आपका दिन शुभ हो।